आईटी एक्ट 2000 यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कुछ ऑफेंसेस भी हैं, अगर वो कोई भी पर्सन उस क्राइम को, उस लीगल एक्टिविटी को करता है तो उसके लिए उसको पेनल्टी लगा दी जाती है, जिसमें कि उसको जेल यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी होता है और साथ ही साथ उसको मॉनिटरी फाइन भी देना होता है। तो सेक्शन 65 में है टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ भी छेड़खानी करते हैं, नोइंगली या इंटेंसली चुराते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो फिर आप उसमें ऑफेंस के कैटेगरी में आते हैं और सेक्शन 65 के अंतर्गत आपको जेल 3 साल तक की जेल या फिर 2 लाख तक का फाइन आपको देना पड़ सकता है, यानी कि 3 साल की जेल के साथ 2 लाख तक का फाइन या फिर दोनों में से कोई एक आपको पेनल्टी के तौर पे लगाया जा सकता है। वहीं पे सेक्शन 66 में है हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को हैक करते हो नोइंगली और इंटेंसली तो फिर ये भी ऑफेंस के अंदर आता है और इसमें आपको, इसमें भी 3 साल तक की जेल या फिर 5 लाख रुपए तक या फिर दोनों पेनल्टी के रूप में आपको लगाया जा सकता है। सेक्शन 66B में रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस, अगर आप जो है कोई चुराया हुआ कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस परचेज करते हैं किसी पर्सन से तो फिर इस केस में भी आपको 3 साल तक की जेल और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों या फिर कोई एक जो है आपको पेनल्टी के तौर पे लगाया जाएगा। सेक्शन 66C में है कि यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, अगर आप किसी दूसरे पर्सन का पासवर्ड चुरा के यूज़ करते हैं फ्रॉड तरीके से तो ऐसे केस में भी आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा या फिर दोनों ही आप पे एप्लीकेबल हो सकता है। सेक्शन 66D में चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, यानी कि कंप्यूटर रिसोर्स का यूज़ करके आप चीट कर रहे हो किसी पर्सन को तो ऐसे केस में भी आपको 3 साल तक की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। सेक्शन 66E में है पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज ऑफ अदर, यानी कि किसी दूसरे पर्सन का प्राइवेट इमेज आप पब्लिश करते हो सोशल मीडिया पे या फिर कहीं किसी वेबसाइट पे तो ऐसे केस में आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर आपको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा या फिर आप दोनों ही लगाया जा सकता है। सेक्शन 66F एक्ट ऑफ साइबर टेररिस्ट, यानी कि आप साइबर टेररिस्ट करते हैं, साइबर का यूज़ करके, कंप्यूटर्स का यूज़ करके आप टेररिस्ट को फैलाते हैं तो ऐसे केस में फिर आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है, यानी कि पूरे जीवन भर के लिए जिस जेल में रहना पड़ेगा। सेक्शन 67 पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन विच इज ऑप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि ऐसी कुछ एडल्ट वाली चीज़ें जो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं पब्लिश कर सकते हैं और अगर आप पब्लिश करते हैं तो ऐसे केस में आपको 5 साल तक की सजा या फिर 10 लाख रुपए का फाइन या फिर दोनों ही आप पे लगाया जा सकता है। सेक्शन 67A पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स, यानी कि अगर आप कोई ऐसी इमेज को पब्लिश करते हैं जिसमें सेक्सुअल एक्ट्स को परफॉर्म किया जा रहा है तो ऐसे केस में भी आपको जो है 7 साल की सजा और या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही आप पे लगाया जा सकता है। सेक्शन 67B में पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न और प्रीडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, यानी कि आप चाइल्ड पॉर्न को, अगर चाइल्ड पॉर्न से रिलेटेड कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेट का या इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करके तो फिर ऐसे केस में आपको 5 साल तक की सजा या फिर 10 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों ही आपको लगा सकता है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर और एंड विथ फाइन 10 लाख ऑन सेकेंड कन्विक्शन, यानी कि अगर आप प्रीडेटिंग चिल्ड्रन वाला काम करते हैं तो ऐसे केस में 7 साल की सजा या फिर 10 लाख रुपए या फिर दोनों ही सजा आपको मिलेगी। सेक्शन 67 में है फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड, अगर आप रिकॉर्ड्स सभी मेंटेन नहीं करके रख सकते हैं, अगर आप जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं, फेल हो जाते हैं रिकॉर्ड को मेंटेन करने में तो ऐसे केस में आपको 3 साल तक की सजा या फिर फाइन के साथ आपको लगाया जा सकता है। सेक्शन 68 में फेलियर या रिफ्यूजल टू कंप्लाई विथ ऑर्डर्स, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऑर्डर्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, उनको आप फेल, उनको रिफ्यूज़ करते हो, उसको आप परफॉर्म नहीं करते तो ऐसे केस में आपको 3 साल तक की सजा या फिर 2 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों ही आपके ऊपर लगाया जा सकता है। सेक्शन 69 में है फेल्योर और रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डेटा, यानी कि आप जो है सिक्योर डेटा नहीं रखते हैं, उसको जो है रिफ्यूज़ करते हैं, फेल हो जाते हैं उसको सिक्योर करने में तो ऐसे केस में आपको 7 ईयर्स का जो है इम्प्रिजनमेंट और पॉसिबल फाइन जो है आप पे लगाया जा सकता है। सेक्शन 70 में है सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू ए प्रोटेक्टेड सिस्टम, यानी कि आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर दैट एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इज टू बी प्रोटेक्टेड सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला कि प्रोटेक्टेड सिस्टम और उसको आप जो है प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आपको 10 साल तक की सजा और फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 71 मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर आप जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का यूज़ करके कुछ गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको 3 साल तक की सजा और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है।
सेक्शन 72 ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, यानी कि कोई भी कॉन्फिडेंस मैटर था, कोई भी प्राइवेसी थी, अगर आप उसको ब्रीच करते हैं, तोड़ते हैं, तो ऐसे केस में आपको 2 साल तक की सजा या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों ही आपको दिया जा सकता है। सेक्शन 73 में पब्लिशिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर, यानी कि गलत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपने किसी पर्टिकुलर में लगाया है, पब्लिश किया है, तो ऐसे केस में आपको 2 साल तक की सजा या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों ही मिलता है। और सेक्शन 74 में पब्लिकेशन ऑफ फ्रॉडलैंड पर्पज, यानी कि आपने फ्रॉडलैंड पर्पज से कोई भी चीज पब्लिश किया है, तो ऐसे केस में 2 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए का तक का फाइन या फिर दोनों ही ऑफेंस के क्रिमिनल को लगाया जा सकता है। तो ये ऑफेंसेज हैं और पेनल्टीज हैं उनके लिए जो कि आईटी एक्ट 2000 में डिस्कस किए गए हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।